संजीवनी शारदा केंद्र एक सांस्कृतिक संगठन है जो विगत लगभग 3 दशकों से समाज में सेवारत है। कश्मीर की गौरवमयी परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए और अपनी भावी पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए, उनमें वो संस्कार भरने के लिए कार्यरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि संजीवनी शारदा केंद्र में विभिन्न प्रकल्प चलते हैं और उन्हीं आयामों में सामूहिकता का बोध समाज में जगाने के लिए महाशिवरात्रि का पर्व, शारदा अष्टमी और नवरे महोत्सव। आज हम नवरे महोत्सव के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। इस वर्ष नववर्ष जो भारतीय संस्कृति में रचा बसा नववर्ष है, वह 22 मार्च को प्रारंभ होने वाला है और इसीलिए यह जो 3 दिवसीय नवरे का महोत्सव है, यह 21, 22 और 23 मार्च को रहेगा। 21 मार्च का जो कार्यक्रम है वो 15वीं शताब्दी के वैदाचार्य श्री भट्ट को समर्पित है। उनकी प्रतिस्मृति में यह दिवस त्याग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जहां संजीवनी शारदा केंद्र अपने मुख्यालय में कार्यक्रम करेंगे और उसके साथ साथ समाज के विभिन्न संगठन भी एक कार्यक्रम अपने अपने स्थानों पर उस दिन इन महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कार्यक्रम रखेंगे। जो दूसरा दिन है 22 मार्च, नववर्ष, भारतीय संस्कृति का नववर्ष, कश्मीर में यह परंपरा रही है कि इस दिन नववर्ष के सुप्रभात में पावन थाली का दर्शन करके नववर्ष में प्रवेश किया जाता है। संजीवनी शारदा केंद्र ने इसमें सामूहिकता का बोध जगाने के लिए इस पर्व को प्रादेशिक स्तर पर पहले किया, अब ग्लोबल स्तर पर हम गत 2 वर्ष से यह महोत्सव मना रहे हैं। हमने उस थाली के साथ संजीवनी शारदा केंद्र ने एक संकल्प को जोड़ा है, एक संकल्प पत्र को जोड़ा है, तो वह भी उस थाली में पहले से ही रखा जाएगा और जब दूसरे दिन सुबह नववर्ष की प्रभात में उसका दर्शन किया जाएगा, उसके बाद सपरिवार कश्मीर के सांस्कृतिक जो हमारा पहनावा है, उस पारंपरिक पहनावे में वह शपथ ली जाएगी कि हम कश्मीर के गौरवमयी परंपरा, उसके संरक्षण के लिए कुछ संकल्प है और हम ये संकल्प करते हैं कि अगला नवरे हम अपने परिवारजनों और मित्रों के संग कश्मीर में मना सकें आनंद पूर्वक, ऐसा संकल्प पूरा समाज लेगा। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।